हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में आज का टॉपिक है, तुम अपनी माँ के गर्भ में क्यों नहीं मर गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो आत्म सम्मान, आत्म सहायता व आत्म उत्थान का नारा दिया था। अब उनकी ओर लोग काफी आकर्षित हो रहे थे। वे जगह जगह सभाओं में दलितों की सामाजिक व आर्थिक दयनीय दशा के कारण व निवारण के बारे में बताते थे। अप्रैल 1925 में ही जय जूरी नामक स्थान पर आयोजित बड़ी सभा में भाग लिया और अपने गरीब भाइयों को कहा कि वे अपने बसने के लिए बंजर भूमि की मांग करें, ताकि वे सम्मानित नागरिक की तरह अपना जीवन जी सकें। अब हर सभा में दूर दूर से बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष डॉक्टर अम्बेडकर के दर्शन हुआ सुनने आते थे। गरीब लोग फटे हुए मैले कुचैले कपड़े पहनकर ही आते थे। स्त्रियों के पास तो तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं होते थे। सभी के चेहरे दीनहीन व मुरझाए होते थे। अभावों व गुलामी के जीवन की निराशामय झलक ही उनके चेहरे पर दिखती थी। यह देखकर डॉक्टर अंबेडकर बहुत दुखी हो जाते थे। उनका मन रो पड़ता था, साथ में गुस्सा भी आता था, क्योंकि इस दीनहीन दशा के लिए वह काफी हद तक स्वयं दलितों को जिम्मेदार मानते थे। दुखी होकर कहा, अरे तुम कितनी दुर्दशा में हो, तुम्हारे असहाय चेहरे देखकर और तुम्हारे दीनता भरे शब्द सुनकर मेरा हृदय रोता है। इस दीनहीन और दयनीय दशा में जीने से तो मरना बेहतर है। इस दशा में जीकर तुम इस दुनिया में गरीबी, भूख और गुलामी का बोझ क्यों बढ़ा रहे हो? तुम अपनी माँ के गर्भ में ही क्यों नहीं मर गए? अब भी मर जाओ तो तुम संसार का बड़ा उपकार करोगे। यदि तुम अपना उत्थान उन्नत नहीं कर सकते और अपने बंधन स्वयं नहीं तोड़ सकते, तो मृत्यु का कारण वरण करके इस दुनिया का भार तो हल्का ही कर ही सकते हो। यदि तुम्हें जीवित रहना है तो जिंदा दिल बनकर जियो। इस देश की धन धरती और सत्ता में हर छोटे और बड़े का बराबरी का अनुपात में तुम्हारा हक और हिस्सा है, और उन्हें हासिल करना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को पाने के लिए तुम्हें ही आगे आना होगा। तुम्हें अपना उद्धार खुद करना होगा बड़ी मेहनत तथा दृढ़ता के साथ संघर्ष करना होगा। यदि तुम अपना और इस देश का भला चाहते हो तो स्वयं की सहायता करो और अपना हक हासिल करो। ऐसी फटकार से भी अछूत लोग नाराज नहीं होते थे, बल्कि उस फटकार में जो अपनेपन की भावना थी उससे डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति प्रेम तथा श्रद्धा प्रकट करते थे। अछूत लोग अपने बीच डॉक्टर अम्बेडकर जैसे विद्वान को पाकर गौरवान्वित महसूस करते थे। सन 1925 में ही अम्बेडकर कोल्हापुर गए और कोल्हापुर दरबार में खूब सत्कार हुआ। कुछ लोगों ने उन्हें कोल्हापुर का दीवान पद पर
आसीन होने का अनुरोध किया, लेकिन अम्बेडकर ने यह पद स्वीकार नहीं किया। दूसरे दिन मिरज में उनके मित्र ने दावत दी तो वहां सभी मित्रों ने बाबा साहब के साथ एक ही थाली में मांसाहार हर भोजन कर अपनी भेदभाव मिटाने का उदाहरण पेश किया। 15 दिसंबर 1925 को भारत की करेंसी के बारे में उन्होंने रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस के समक्ष गवाही दी थी, जिसमें देश के हित में मुद्रा संबंधी कई सुझाव दिए थे। उन्होंने सुझाव दिया कि हुंडी के स्थान पर सोने का परिणाम भारत के लिए ठीक नहीं है। इसके कुछ दिनों बाद जलगांव, पनवेल और महाराष्ट्र से बाहर अहमदाबाद में भी बहिष्कृत हितकारिणी सभा द्वारा हॉस्टल खोले गए। सन 1925 में ही अम्बेडकर कोल्हापुर गए, जहां कोल्हापुर दरबार में खूब सत्कार हुआ। कुछ लोगों ने उन्हें कोल्हापुर का दीवान पद पर आसीन होने का अनुरोध किया, लेकिन अम्बेडकर ने यह पद स्वीकार नहीं किया। दूसरे दिन मिरज में उनके मित्र ने दावत दी तो वहां सभी मित्रों ने बाबा साहब के साथ एक ही थाली में मांसाहार भोजन कर आपसी भेदभाव मिटाने का उदाहरण पेश किया। लक्ष्य सामाजिक सुधार था, सरकारी नौकरी नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वकालत करते थे। शुरू में उनकी प्रैक्टिस बहुत कम होती थी। जातिवादी लोगों ने उनके खिलाफ माहौल बना रखा था, जिसके कारण मुखबिल बहुत कम आते थे। यहाँ तक कि कोर्ट में बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिलती थी। ऐसे में मिस्टर चिनवाला के सहयोग के बैठने के लिए जगह मिली। वकालत से जो कमाई होती थी उसमें परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। इससे रमाबाई भी परेशान रहती थी, लेकिन वह संतोषी महिला कभी भी नहीं बोलती थी। एक बार तो बहुत मजबूरी में एक मारवाड़ी से पैसा उधार लेना पड़ा, लेकिन परिस्थितियां बदली और धीरे धीरे थोड़े ठीक केस मिले तो कमाई होने लगी। इन्हीं दिनों कुछ महत्वपूर्ण मुकदमे आए, जिससे अम्बेडकर का काफी नाम हुआ। एक मुकदमे में पुणे के कुछ ब्राह्मणों ने 3 गैर ब्राह्मणों पर मुकदमा दायर किया कि तीनों ने एक पुस्तक छपवाई है, जिसमें लिखा है कि ब्राह्मणों ने भारत को तबाह कर दिया। इससे ब्राह्मण समाज का अपमान हुआ है। डॉक्टर अम्बेडकर ने बड़ी योग्यता के साथ गैर ब्राह्मणों पागड़े जेदे और जवलकर की वकालत की और अक्टूबर 1926 में जीत हो गई। इससे बॉम्बे हाई कोर्ट व कोर्ट से बाहर समाज में भी काफी नाम मिला। इस तरह बैरिस्टर होने के कारण कई विशेष मुकदमे भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम चमकाया। एक बैरिस्टर के रूप में उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली। धीरे धीरे मुकदमे भी काफी आने लगे। ज्यादातर तो ऐसे मुकदमे होते थे जिनमें जीतने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, लेकिन अपनी प्रतिभा के बल पर वे जीत लेते थे। डॉक्टर अम्बेडकर उन दिनों भी बम्बई के परेल इलाके से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के 2 कमरों में रहते थे, जहां वे अपने माता पिता के जीवित रहने के समय से रह रहे थे।
इस चाल के चारों तरफ मजदूरों की बस्ती थी। इस कारण वे मेहनत कश मजदूरों के सुख दुख को अच्छी तरह समझते थे। वहां पर गांव के गरीब लोग न्याय के लिए आते थे। कई बार अंबेडकर को इनसे पूरी फीस भी नहीं मिलती थी, लेकिन वह गरीबों की पैरवी करते थे। कभी कभी तो गांव के लोगों को वहीं ठहराते थे और रमाबाई बाहर होती तो खुद खाना बनाकर खिलाते थे। वे खाना बनाने के भी होशियार थे। उनकी वकालत के लिए पास ही सोशल सर्विस लीग की बिल्डिंग में एक छोटे से कमरे में ऑफिस था। इसी निवास पर मिलने के लिए एक बार छत्रपति साहू जी महाराज भी आ चुके थे। वकालत के साथ वे पार्ट टाइम लेक्चर भी देते थे। यदि वह चाहते तो वापस सीडेन हम कॉलेज में ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन वह सामाजिक कार्यों में बाधक था। इसके अलावा वह बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर भी मनोनीत हो सकते थे, लेकिन उन्होंने सामाजिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी। सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा सक्रिय होने के कारण उनकी वकालत धीरे धीरे कम होती जा रही थी। वह अपना समय नहीं दे पा रहे थे। समय उनके पक्ष में नहीं था। जीवन में उतार चढ़ाव चल ही रहे थे। आर्थिक तंगी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वह कई बार एक जगह बैठे हुए लंबे समय तक विचार में डूब जाते थे।